हेलो दोस्तों, मैं मुकेश डिंगरा अपने यूट्यूब चैनल देसी कॉकटेल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉकटेल बताऊंगा, वो बियर के साथ कॉकटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी बियर का सीज़न आ गया है। लोग सब बियर ही पी रहे हैं, गर्मी है तो लोग बियर का फुल इंजॉय करते हैं। तो बियर पीने में जो अभी गर्मियों में मज़ा है, वो आप ठंडियों में नहीं पी सकते। गर्मियों में कैसे, बियर ठंडी रहती है। और एक बात कि आप गर्मियों में विस्की हो सके अपना, ये रम भी इसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं भी हमेशा पीता हूँ विस्की, मैं गर्मियों में सिर्फ बियर ही पीता हूँ, ज़्यादातर मैं बियर ही यूज़ करता हूँ। तो मैं आज आपको बियर के एक कॉकटेल बताता हूँ, बियर के साथ मैं आप रम के बारे में थोड़ी आपको कॉकटेल बताता हूँ। तो दोस्तों, ये आप गिलास लीजिए, एक गिलास लेके उसमें आप थोड़ी सी अदरक डालिए, अदरक के टुकड़े गिलास में डाल दीजिए, अदरक को बारीक पीस लीजिए। पीने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी ये आपको कॉकटेल। बियर तो हम हमेशा पीते हैं, लेकिन ये थोड़ा कुछ अलग टाइप हो जाता है। मैंने भी इसे कई बार अजमाया है तो बहुत ही मुझे पसंद आया ये कॉकटेल। और इसके बाद आप थोड़ा सा एकदम मामूली सा चाट डालिए, ये चाट मसाला है, थोड़ा सा डालिए इसमें। और फिर आप इसके साथ, इसके ऊपर ही साथ में दो स्लाइस आप, ये मैंने नींबू लिए हुए, नींबू की स्लाइस है, लेमन स्लाइस डाल दीजिए। और फिर आप आइस ज़्यादा मत डालो, क्योंकि बियर आपके चिल्ड रहेंगी तो आप आइस ज़्यादा मत डालिए, सिर्फ दो पीस आइस डाल दीजिए। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें बियर डालिए। आप इसमें 30 या 45 ml रम डालिए, ज़्यादा नहीं। मैंने ओल्ड मॉन्ग रम ली हुई है, मेरे पास अभी ओल्ड मॉन्ग टिबल एक्स रम है, तो आप कोई भी रम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर यही पसंद करता हूँ रम। काफ़ी लोग यही पसंद करते हैं आजकल, ये रम का बहुत ही डिमांड पे रहे, काफ़ी डिमांड पे रम है। तो इसमें आप 30 ml डालिए। तो दोस्तों, मैंने इसमें 30 ml रम डाल दी है, नीचे बियर और ऊपर डार्क कलर देखो रम है। तो अभी आप ना एक स्पून लेके इसको थोड़ा मिक्स कीजिए। ये देखिए, ये आपका कॉकटेल बन गया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा के आप गार्निश कर लीजिए। ये आपका कॉकटेल बना, कितना प्यारा सा कॉकटेल है, टेस्ट करके आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या टेस्टी है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। हाँ, मैं दोस्तों बोलता हूँ इसको जरूर ट्राई करिए। करिए आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और मैं हमेशा की तरह एक शायरी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तूने मुझे तना छोड़ दिया, तूने मुझे तना छोड़ दिया, तेरी यादों ने इस कदर भटका दिया, तेरी यादों ने इस कदर भटका दिया, बड़े सीधे आदमी थे हम, आज एक शराबी बना दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। और मैं आपको जाते जाते बस यही कहूँगा कि गर्मियों में बियर पे ज़्यादा जोर दीजिए, विस्की वोडका ये जो भी है अपना, रम बीम को कम करिए, गर्मियों में बेस्ट है। और ये आप अलग अलग टाइप के कॉकटेल बना के पीजिए। मैं आपको आगे वीडियो में बहुत सारे कॉकटेल्स बियर के साथ बनाकर भेजूंगा, और काफ़ी सारे मेरे पास आए उसमें बियर के साथ कॉकटेल, और आप गर्मियों का फुल इंजॉय करना। चलिए, गुड बाय एंड चीयर्स दोस्तों।